हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग थर्ड सेम और फिफ्थ सेम के जो स्टूडेंट हैं उनके रिगार्डिंग एक नोटिस आया है कॉलेज की तरफ से, वो मैं बताने वाला हूँ। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग नोटिस होगा। मैं यहाँ पर जीपी मुजफ्फरपुर कॉलेज का बता रहा हूँ कि क्या कैसे आया है। आप देख लीजिए, आपके कॉलेज का कुछ नोटिस होगा तो पैटर्न लगभग सेम ही होगा। कैसे आपको एनरोलमेंट करना है, मतलब कैसे एडमिशन लेना है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसमें जो नोटिस आया है वो थर्ड सेम और फिफ्थ सेम स्टूडेंट के लिए हैं। उनके एडमिशन के रिगार्डिंग, मतलब उनके एनरोलमेंट जो थर्ड सेम और फिफ्थ सेम में एनरोलमेंट तो वो लिए नहीं है, वो अभी सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर उनका क्लियर हो गया है, वो थर्ड सेम और फिफ्थ सेम में अभी एनरोल नहीं हुए हैं अपना। तो वो अपना रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट जिसको बोल सकते हैं या एडमिशन आप करा लें अपना। तो एडमिशन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पेमेंट कर लेना है SBI कलेक्ट के थ्रू। पेमेंट कितना करना है अभी मैं बताने वाला हूँ। पेमेंट आपको SBI कलेक्ट के थ्रू, जैसे हमने एग्जामिनेशन फी पेमेंट किया था, आपको बताया था SBI कलेक्ट के थ्रू कैसे करना है, वो आपको वैसे ही जाकर SBI कलेक्ट के थ्रू पेमेंट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करने के बाद जो भी PDF फाइल वहाँ से रिसीट जो जनरेट होता है, उस रिसीट को या तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या ऑटोमेटिक अगर डाउनलोड हो जाता तब तो बेटर है, या फिर आपको डाउनलोड वहाँ पर करके प्रिंट का ऑप्शन देगा, वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसका PDF फाइल और जो लास्ट सेमेस्टर आपने एग्ज़ाम दिया था और जिसमें आपके अभी रिजल्ट आए थे थोड़े थोड़े दिन पहले, सेकंड सेमेस्टर का जो भी दिया था या फोर्थ सेमेस्टर का दिया था उनका जो रिजल्ट आया, उसका मार्कशीट जो है, मार्कशीट का PDF फाइल और जो पेमेंट किया है उसका PDF फाइल, दोनों को आपको मेल कर देना है। कॉलेज के मेल आईडी आपको बताया जाएगा, अलग अलग ब्रांच का अलग अलग मेल आईडी है, वो इस कॉलेज का अभी यहाँ पर जो नोटिस आया उसमें दिया गया है। अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में हैं तो वहाँ का कुछ मेल आईडी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको वहाँ भेज देना है, उस मेल आईडी पर भेज देना है। और दूसरे कॉलेज का पेमेंट मेथड हो सकता है अलग हो, बिकॉज किसी कॉलेज का मैं देखता हूँ वहाँ पर RTGS NEFT से वो पेमेंट करवाते हैं। तो जैसा भी पेमेंट मेथड है, आपको उस पेमेंट मेथड से पेमेंट कर लेना है और रिसीट को डाउनलोड कर लेना है, और रिसीट का ऑप्शन डाउनलोड का नहीं देता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ और प्रोसेस जो आपको वहाँ पर अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। मतलब उसका रिसीट जो पेमेंट का हुआ है वो आपको उसका PDF बनाकर भेजना भी है, और मार्कशीट जो आया है आपका लेटेस्ट जो लास्ट सेमेस्टर का आया है, सेकंड सेमेस्टर आपका क्लियर हुआ होगा तो आप थर्ड में गए होंगे, फोर्थ क्लियर हुआ होगा तो आप फिफ्थ में गए होंगे, उस मार्कशीट का PDF फाइल भी आपको सिर्फ लास्ट सेमेस्टर का ही मांगा गया है यहाँ पर। और डेट जो बताया गया है इस कॉलेज का वो 1 सितंबर से, मतलब 1 सितंबर से 8 सितंबर, 8 सितंबर तक आपको डेट बताया गया है। इस डेट के बाद आपको फिर फाइन वहाँ पर डे ₹20 फाइन लगेगा अगर आप लेट करते हैं तो, मतलब 8 सितंबर के आप लेट करते हैं तो। काफ़ी इजी प्रोसेस है, आप ऑनलाइन पेमेंट करके आपको मेल कर देना है, तो इसमें लेट होने का कोई तो ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद आप जो नोटिस आया वो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है। हर एक कॉलेज का अलग अलग, हर एक ब्रांच का अलग अलग है। ये सिविल का है, सिविल का मेल आईडी फर्स्ट ऊपर का है। आप जिस भी ब्रांच के होंगे आपको उस ब्रांच के मेल आईडी पर मेल करना है। जैसे भी आप फॉर्म फिलअप करके, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके आप लोगों ने मेल किया होगा उस हिसाब से यहाँ पर है। यांत्रिक अभियंत्रण है तो यांत्रिक मैकेनिकल के हैं ये, मैकेनिकल वाले। macadmission20@gmail.com पे करेंगे। विद्युत अभियंत्रण है, इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो EEadmission20@ करेंगे। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो EEadmission20@ करेंगे। और कंप्यूटर है तो वो CSEadmission20@gmail.com पे वो मेल करेंगे। तो ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आपको करना क्या है, ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर कर लेना है SBI कलेक्ट के थ्रू। यहाँ पर वो लिंक भी दिया हुआ है, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जीपी मुजफ्फरपुर का यहाँ पर ये साइट दिया है उस साइट पर भी SBI कलेक्ट का वहाँ पर पिन दिया हुआ, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट मेथड पर चले जाएंगे। जैसे भी आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। और दूसरे कॉलेज का आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर RTGS या NEFT का भी प्रोसेस बताया गया होगा, आप उस हिसाब से वहाँ पर पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद रिसीट डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, अंतिम सेमेस्टर के अंक पत्र की PDF कॉपी। तो उसका जो PDF फाइल है उसको, दोनों का PDF फाइल, जो आपने एक पेमेंट किया उसका और जो लास्ट सेमेस्टर का जो मार्कशीट है उसका, दोनों को मेल कर देना है अपना मेल आईडी से। और वो मेल आईडी आपको किस पर मेल करना है तो आप ब्रांच वाइज देख लीजिए। यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस पांचों ब्रांच का दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको पेमेंट कर लेना है। फिर यहाँ पर ₹20 लेट फाइन भी लिखा हुआ है, वो अगर उसके इस डेट के बाद आप अगर पेमेंट करते हो तो, इस डेट के बाद अगर आप वहाँ पर भेजते हो तो वहाँ पर फिर फाइन लगने का चांसेस है। तो उसके बाद फिर देख लीजिए यहाँ पर जो पेमेंट करना है वो कितना करना है। यहाँ पर है सामान्य है, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा के लिए आपको टोटल ₹1065 करना है, ₹1065 करना है। और जो छात्र अनुसूचित जाति है या छात्रा है या अनुसूचित जनजाति है उनको आपको यहाँ पर, इसको ऊपर मैं कर लेता हूँ, उसके बाद वहाँ पर पेमेंट जो करना है ₹1005, मतलब ₹1005 करना है। टोटल ₹60 का डिफरेंस है। आपको देख लीजिए, आप जिसमें जिस भी
कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से आपको पेमेंट कर लेना है, और पेमेंट करके अपना रिसीट का जो पेमेंट रिसीट है वो डाउनलोड जो हुआ है उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। कुछ स्टूडेंट डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप देख लीजिएगा वहाँ पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होगा या कुछ और ऑप्शन होगा, आप देख लीजिएगा कैसे वहाँ पर निकल जाएगा। तो उसको रिसीट को निकाल लेना है और उसको PDF बनाकर और एक मार्कशीट का जो लेटेस्ट लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट है उसका दोनों को PDF में कन्वर्ट कर लेना है, और PDF में कन्वर्ट करके आपको मेल कर देना है। मेल करके आपका सारा इनरोलमेंट का प्रोसेस हो गया और वो 1 से 8 सितंबर के बीच में ही करना है। तो इसके रिगार्डिंग यही इन्फॉर्मेशन था। अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में होंगे तो आपको भी नोटिस मिल गया होगा, तो आपको प्रोसेस यही फॉलो करना है, पेमेंट करके फिर लास्ट सेमेस्टर और पेमेंट रिसीट को आपको मेल कर देना है, जो भी मेल आईडी आपको बताया गया होगा। तो इस रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।